हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो आज हम देखेंगे कि हम 2 मिनट के अंदर जो है अपनी जेसन की मॉडल फाइल जो होती है, जो हमारे एपीआई को हिट करने के बाद हमारे पास डाटा रिस्पॉन्स में आता है, हम उसको किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपली मैं हमारे ये सर्वर के अंदर जाता हूँ। तो सर्वर के अंदर मैं चला जाता हूँ और सर्वर के अंदर मैं हमारी ये वाली एपीआई जो है, पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको पहले मैं इसका जेसन जो है वो मैं हिट कर लेता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन यूज़र। यहाँ पे ये मेरे पास पूरा ये हमारा जेसन आ गया। और यहाँ पे मैं गूगल पे टाइप करूँगा, यहाँ पे पहले मैं गूगल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा इजी टाइपर जेसन टू डॉट, यहाँ पे आ जाएगी। ये क्विक टाइपर है, सॉरी इजी टाइपर नहीं, क्विक टाइपर है। ओ, इसको यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट ऑल करूँगा। ओप्स सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट दी हुई है, मैंने उसके जेसन बना के देखी हुई है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने ये सिलेक्ट आर करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे मैंने कर देना है पेस्ट। मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जिस लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सी प्लस प्लस में उसके मॉडल क्लास कर देगा। ये डिफरेंट लैंग्वेजेज है, हमारी डार्ट है क्योंकि हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये डार्ट के अंदर सारे के मॉडल क्लास हमारी बना देगा। मॉडल क्लास बनाने के बाद इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारी मॉडल क्लासेस बनी हुई थी, यहाँ पे मैं इन मॉडल क्लासेस के अंदर एक नई मॉडल क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 2 मिनट मॉडल। इसका नाम मैं 2 मिनट्स मॉडल रख रहा हूँ और वहां से मैं कॉपी वो कंट्रोल भी कर दूंगा बस, और मैंने कुछ भी नहीं करना। तो ये सारा मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ये इशू दे रहा है कि ये आपके साथ रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाएं या इस तरह का कोई सिनेरियो हो। ठीक है, तो वेयर इज़ दिस, हम यहाँ पे 2 तरीके, या तो इनको कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू देते जाएंगे, आईडी इज इक्वल टू 0 और नेम इज इक्वल टू, क्योंकि वो नल सेफ्टी को सपोर्ट नहीं करता इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ए बी सी ओके, दिस डॉट एड्रेस है। तो एड्रेस को यहाँ पे मैं, जो मेरा एड्रेस है जो मेरा होगा, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और फोन का जो है वो स्ट्रिंग टाइप है वो मैं इक्वल टू ABC कर देता हूँ क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप है। द वेबसाइट इज ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप, इज इक्वल टू ABC कर दूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। होपफुली आधे से ज़्यादा मेरे एरर्स चले जाएंगे। ओके, डॉट टू जेसन है यहाँ पे, ये मैं सजेस्ट करेगा ठीक है, आप इसके बाद में ये एड्रेस ये क्वेश्चन मार्क लगा दे क्योंकि वो नल भी आ सकता होता है और कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नल सेफ्टी को सपोर्ट नहीं करते इसलिए इतना सा करना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ABC दे रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू आपने जस्ट इसको देनी होती है। ओके, देयर आर सम 7 एरर्स एट टू, वेयर इज दिस, ओके दिस इज ओके, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आना, ये यहाँ पे आना। बस ये इशू है कि इसका ये थोड़ा सा नल सेफ्टी को जियो किया जी, सॉरी इसके अंदर हम ये कर देते हैं, ये नल सेफ्टी को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा ये चेंजेस करनी पड़ेगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सॉरी, मैं जूम इन करना भूल गया था, ये ट्रू जेसन है तो इसको ये बोल देगा कि ठीक है आप इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क लगा दें। लेट लॉन्ग, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं तो इन दोनों को मैं डिफॉल्ट नल ही रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एक इशू गया और ये हमारा लास्ट वाला इशू। तो इसके बाद हाँ, हमारी इस मॉडल क्लास के अंदर जो है वो कोई मसला नहीं है। तो ये वाला कोड जो है ये इतना आपने कॉपी कर लेना है, इसको आप करेंगे कॉपी और जहाँ पे हमारा सर्वर से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये पहले वाले को मैं कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कॉमिट आउट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक नया बनाऊंगा लिस्ट यूजर मॉडल, हाँ जस्ट एक सेकेंड, मैं इसका नाम देख, मैंने इसका क्या नाम रखा था,
हाँ 2 मिनट्स ओके फ्रॉम जेसन टू यूजर्स, क्लास का नाम है यूजर्स, तो सर्वर लिस्ट यूजर्स, ये मैंने यूजर्स कर दिया तो वो मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी ये वाली 2 मिनट्स, ठीक है। और ये लिस्ट यूजर मॉडल इज इक्वल टू, आगे मैं वही काम करूंगा वो जो मैंने मैंने आपको बताया 2 मिनट्स, ये वाला मैंने कॉपी करना है मैंने, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं जस्ट दे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी दे दूंगा, और कुछ भी नहीं दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी दे दूंगा, वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न में भेज दूंगा लिस्ट यूजर वन। वेयर इज द इशू? ओके 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 लिस्ट यूजर्स वो यूजर मॉडल्स, तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मेन स्क्रीन है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये वैल्यूज हैं, ये हमारी लिस्ट्स हैं, यहाँ पे यूजर्स आएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट पहले वाला जो हमारा कोड बना हुआ है, इसलिए मैं जूम इन कर देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इशू आ रहा है देखने में, और कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे वो हमारा इंडेक्स आ जाएंगे तो डॉट नेम वो ईमेल वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। वैल्यूज एड नल चेक, ओके नल चेक तो लगा हुआ है। सेंड लिस्ट, ये किधर है हमारी सेंड लिस्ट? ओके ये यूजर मॉडल नहीं, इसको भी हम कर देते हैं यूजर्स, तो हमारा ये इशू भी एरर होपफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लिस्ट यूजर्स ये डिस्प्ले है, और ये बाहर सेंड लिस्ट टू यूजर्स। ओके वेयर इज दिस? ओके तो इसको लिस्ट चाहिए यूजर्स मॉडल की, ये हम डिटेल स्क्रीन पे चले जाते हैं, और डिटेल स्क्रीन के अंदर मैं ये लिस्ट यूजर्स कर देता हूँ क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। मॉडल क्लास हमारी बन चुकी है, वो कोई इशू नहीं, बस इसको इम्पोर्ट करना है हमने और हमारा काम हो जाना है। और यहाँ पे नॉट कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी मॉडल वो हमने अपनी मर्जी से नाम रखा हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंपनी डॉट नेम। ओके क्वेश्चन मार्क दे दो जी, वैसे ये नल नहीं आएगा तो इतना इशू नहीं होगा। डॉट कंपनी डॉट बी एस, और यहाँ पे ये वही क्वेश्चन मार्क बोलेगा, ठीक है जी हमने क्वेश्चन मार्क दे दिए। ओके यहाँ पे भी यू नेम की बजाय डॉट नेम आ जाएगा। ओके तो वेयर इज मेन स्क्रीन? मेन स्क्रीन के अंदर भी हमारा इशू सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। ओके अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। मॉडल क्लास हमारी विद इन 2 मिनट्स बन चुकी है, मॉडल क्लास का कोई इशू नहीं, जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, अदरवाइज ये हमारा भी काम है। जस्ट सिंपली एक दफ़ा बता दे, एक दफ़ा सिंपल मैं प्रिंट करके दिखा देता तो मुझे ज़्यादा मुनासिब नहीं लगा, मैं चाहता था कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चला जाऊँ ताकि आप लोगों को जब इस चीज़ को यूज़ करें तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। ओके तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखना हमारा बिल्कुल सेम एज इट वैसे ही काम कर रहा होगा। सर्वर के अंदर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट वो एक दफ़ा लोडिंग ले ले, ठीक है। हमारा जो है इस दफ़ा मैं जो हमारी जो मॉडल क्लास यूज़ कर रहा हूँ वो मैं वाली ये वाली 2 मिनट्स वाली मॉडल क्लास जो है मैं वो वाली यूज़ कर रहा हूँ, इस एक फाइल के अंदर ही सारा कुछ वो हुआ हुआ है। इसके लिए आपको किसी भी डिपेंडेंसी जो है सिर्फ एक HTTP की डिपेंडेंसी की जरूरत होगी हिट करने के लिए, बाकी मॉडल क्लास बनाने के लिए किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी की यूज नहीं होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप मॉडल क्लास किस तरह बनाते, तो आप लोग ये एटलीस्ट उस जो है जेसन फ्रेजर की भी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उनको बता सके जी मैं मॉडल क्लास जेसन फ्रेजर के साथ बनाता हूँ और ये वाली कमांड लगती है इसको बनाने के लिए। तो एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं सबको डिस्प्ले कर देता हूँ जी। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ये इंस्टॉल हो चुका है। ये लोडिंग ले रहा है। ओके तो ये वैल्यू सेट कर देखो, वो कहीं पे मैंने वैल्यू नल सेट हुई हुई है इस वजह की वजह से, वैल्यू नल आती लेकिन बाद में उसका सेट हो जाती, इस वजह से वो थोड़ा सा एरर दे रहा है, और कोई इशू नहीं है। ये वाला मेरे ख्याल में होगा नॉट नल, तो इसका समथिंग है कुछ। ओके ये सेम काम वैसे ही कर रहा है, हमारी हर एक चीज़ जो है हमें डिस्प्ले में दे रहा है।
मैं यहाँ पे आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ईमेल की बजाय मैं यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर दे देता हूँ, फ़ोन। ओके, और यहाँ पे उसने कहाँ पे हमें बोला हुआ है, फ्यूचर बिल्डर है, नल वैल्यू किधर यूज़ की गई है। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बल्कि इसको ऐसे कर देते हैं, एड नल चेक, नल क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं एक्सेप्ट करता, नॉट नल, नॉट इज इक्वल टू नल, नहीं इस तरह नहीं, ठीक है आप इसको नॉट नल ही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने कहीं पे नल वैल्यू यूज़ की हुई है, नल चेक का ऑपरेटर लगाया हुआ है तो उसकी वजह से एरर देता है, और कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। तो ये देखिए अभी नीचे उसका जो है वो फ़ोन नंबर सारा आ रहा है, तो होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी कि ये जो हम 2 मिनट के अंदर हम अपनी मॉडल क्लास किस तरह बनाते हैं। ये मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग भी इस पर अपने मॉडल क्लास बनाएं और अपने आप को आसानी कर लें। ये इसका फ़ायदा बना तो सकते हैं वैसे फिजिकली कोड के साथ भी, लेकिन ये है कि इसके साथ थोड़ा सा जल्दी बन जाता है और इजीली बन जाती है, आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। लेकिन पहले मैंने उसको एक्सप्लेन इसलिए किया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता हो कि मॉडल क्लास होती क्या, हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं, फिर मैंने आपको ईजी वे की तरफ लेके जाया। तो जिन लोगों ने चैनल नहीं मेरा सब्सक्राइब किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा।